हाँ, तो आज की फ्रेंडशिप डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ में इतनी दूर तक जर्नी में बने हैं। पिछले 4 महीने से हम वीडियो बना रहे हैं, आपसे वार्तालाप हो रही है, पर आप तो मुझे पहचानते ही हो, अपना बातचीत चलते रहता है। मैं पिछले कुछ दिनों से गायब था। एक्चुअली मैंने 2 वीडियो बना ली थी इस वीडियो के पहले भी, बट वो अपलोड क्यों नहीं करी क्योंकि मेरे को फ्रेंडशिप डे स्पेशल वीडियो डालना था। और इस वीडियो का मैं भी वो 2 वीडियो आपको कल कल बैक टू बैक देखने मिल जाएगी, और उसको जरूर से देखना, प्यार दिखाना। तो आज हम अभी इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। फ्रेंडशिप डे है तो फ्रेंडशिप डे कुछ स्पेशल होना चाहिए, और सोचा कि यार दोस्ती के दिन से हमारे वीडियो वापस अपलोड करना चालू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मतलब मैंने 8-10 दिन का ब्रेक लिया था, तो उस ब्रेक के चलते हमने कुछ काम नहीं किया, सीखी नई चीज़ें बट काम नहीं किया। बट चलो, ब्रेक के बाद में एक नया फ्रेश स्टार्ट ऑन द बेस्ट डे ऑफ लाइफ, बिकॉज फ्रेंड्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। दोस्त हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे हिस्से होते हैं। ऐसे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और आप लोगों के भी होंगे, और ऐसे ही आपके अच्छे खास दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ये एक वीडियो शायद से बदल सकती है। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे दोस्त से मिलाने वाला हूँ जिसको मिलके आपकी ज़िंदगी 100% 100% यहाँ से यहाँ पे चल जाएंगी। आप ज़िंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हो तो तरक्की करेंगे, जो पाना चाहते हो पाएंगे, अगर आप इस दोस्त को बस गले लगा लें और ज़िंदगी भर अपने साथ रखें तो। तो टाइटल से आपको पता होगा कि मैं आज किस दोस्त के बारे में बात करने वाला हूँ, बट चलिए हम आज डीप में बात करते हैं। तो कुछ मैंने 2018 से बुक रीड करना चालू किया था। उसके पहले आपका भाई मतलब नहीं के बराबर रीड करता, शायद कुछ मैंने कोर्स के अलावा एक बुक रीड करी थी द सीक्रेट करके। बट आफ्टर रीडिंग दैट बुक, मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं आया कि बस अभी तो बुक्स रीड करनी चाहिए, जिंदगी की जरूरत हो गई है। बिकॉज अच्छी बुक थी बट वो फीलिंग नहीं मिली। फिर मैंने 2018 के बाद में रीड करना स्टार्ट किया, बिकॉज आई फॉलो संदीप माहेश्वरी, और उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना है, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ पीपल्स यू लिव विद। और मुझे पता था कि जो मेरी कंपनी है वो सब मेरे वाइब वाले, और भाई अपन थे थोड़े से वेल टाइप्स, मतलब काम करते थे सबसे करते थे, बट नॉट अ पंचुअल, नॉट अ हाई थिंकिंग गाय। और ज़िंदगी होती है ना कि एक वो मोड पे होती है कि जब आप 17-18 साल के होते हो तो कैसे बच्चे होते हो, बच्चे होती नहीं। तो यार सब मैच्योर पीपल के साथ में टाइम स्पेंड करो तो बहुत आप ग्रो करोगे। और मैंने ना कुछ इस धरती पे जिंदा रहे हुए ग्रेटेस्ट माइंड, मोस्ट ब्रिलियंट पीपल के साथ वक्त गुजारा है। मतलब स्टीव जॉब्स यार, वो तो मेरे दोस्त जैसे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी देखी है हमने, हम वही थे यार। उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, बहुत कुछ देखा है। फिर वो हमारे मार्क मैनसन, ये तो हमारे बड़े भाई जैसे यार, इन्होंने हमें मतलब ज़िंदगी की राह चलना सिखाया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें ज़िंदगी में बताई है जिनसे हम सीख के और ज़िंदगी के तौर तरीके सीखे, और ज़िंदगी का ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है, वो हमने इनसे सीखी है। देन हमारे वो रॉबिन शर्मा, इन्होंने यार बहुत अच्छी बुक्स लिखी, और इनकी बुक्स के थ्रू हम मतलब ऐसा ना कनेक्ट करते, एक वाइब है उनकी मेरे साथ में। उनके से मैंने सुबह जल्दी उठना चालू किया यार, ही इज़ लाइक माई टीचर कम फ्रेंड वाली सीन। देन लिली सिंह के साथ में मेरा थोड़ा सा वार्तालाप है, उसकी भी बुक्स एक दो बुक रीड करी है मैंने। देन दुर्जोय दत्ता की सम लव स्टोरीज, एंड जो उनका एक फिक्शनल बुक्स होती है, भाई मैं फ़ैन हूँ उनकी स्टोरीज का। तो बुक्स ने मुझे ना कुछ ऐसे भी दोस्त दिए जो मेरे अभी है यहाँ पे मेरे साथ में है, कुछ मुझसे हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं और कुछ हजारों साल पहले हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के थ्रू मैंने उनसे मिला, उनसे बातें की, उनसे कनेक्शन बनाया मेरी ज़िंदगी में। आई एम टोटली ग्रेटफुल अबाउट रीडिंग बुक्स। तो ये मेरा पहला रीज़न था बुक्स रीड करने का। मेरी अंदर से मोटिवेशन थी छोटी सी कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद सम ग्रेट माइंड्स देन मी। दूसरी वजह यह थी कि आपको किताबों में बहुत ऐसे सवाल के जवाब मिलते हैं जो आपको रियल लाइफ में कोई नहीं दे सकता, और वो सवाल आपको बहुत परेशान कर रहे हो। मतलब मुझे ना ये चीज़ एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा सकता हूँ। मुझे ना हमेशा एक फील होता था कि यार अपनी सोसाइटी ऐसी कैसी है कि जिन लोगों को अटेंशन नहीं देना चाहिए उनको फेमस फेमस किए जा रहे हैं, जिन लोगों को टैलेंट नहीं वो टॉप पे जा रहे हैं, और जिनमें है वो है तो भाई कहीं पर मीडियोक्रेसी में लटक रही है, या तो फिर उनको एक ज़ीरो अटेंशन मिल रही है। तो तब मैंने एक किताब मुझे सजेस्ट मिली नवाल भाई से, और मैंने वो रीड करी, एंड दैट वाज द ऑसम बुक। मतलब उसने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, वो थी ईगो इज़ द एनिमी करके। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये बुक रीड करी, इसने मेरा बहुत बर्निंग क्वेश्चंस का आंसर दिया है। देन एक वक्त ऐसा था कि आई वॉज नॉट अ स्टिल किड, मतलब मुझे ये भी करना वो भी करना वो भी करना, मैं कभी शांत नहीं बैठता था ना। आई एम वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड पर्सन इन माई सराउंडिंग। मतलब मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, साथ में मैं टीवी भी देख रहा हूँ, वो एक डिस्ट्रैक्शन, साथ में मैं वो दोनों देखते हुए कुछ तीसरी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, वो एक डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों में इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता था, और एक चीज़ पे फोकस नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मैं अगर समय में अगर वैसा किड होता था, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कुछ और तीसरी चीज़ के बारे में भी सोचूंगा, ऐसी चीज़ थी मेरी।
और उस वजह से मेरा कंसंट्रेशन नहीं अच्छा था, आई वाज नॉट गेटिंग व्हाट आई कैन गेट आउट ऑफ माय वर्क। तो अब मैंने बुक रीड करी थी, स्टिलनेस इज की एंड द पावर ऑफ नाउ, ये दो किताबों ने मेरा वो थॉट प्रोसेस इतना बदला है। मुझे एक हैबिट लगाई उन्होंने कि हाउ टू बी काम, हाउ टू बी इन सिचुएशन व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आपका दिमाग इधर उधर ना दौड़ा है, आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस रहे, जो चीज़ एंजॉय कर रहे हो उसे पूरा एंजॉय करे। द स्टिलनेस इज की बुक ने मेरे को बहुत चेंज किया, यू मस्ट रीड इट। और ऐसा बहुत किताबें हैं मतलब जिन्होंने मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेप करके यहाँ तक लाया। मतलब मैं ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में कुछ तो भी 26 से 27 किताबें रीड करी है। आई नो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अराउंड महीने में एक किताब खत्म कर देता हूँ। मुझे ऐसा टाइम मिला तो मैं 2 4 दिन में ही मेरी मोस्ट ऑफ किताबें खत्म हो जाती है, बट महीने में उससे रीड नहीं कर पाता। आई विल ट्राई टू रीड मोर एंड शेयर मोर माई रीडिंग स्टोरीज विथ यू। शायद हम इस पर एक रीडिंग स्टोरीज का एक जॉनर चालू करें कि हम एक कोई भी डे आएंगे, एक बुक ले उठाएंगे और उसकी कहानी आपको बताएंगे और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है उसको लेके शायद। तो देन नेक्स्ट थिंग, रीडिंग गिव्स यू अ बेनिफिट जो एक्चुअल तो नहीं है, मतलब आपको इस जिंदगी में लगे कि ये तो बहुत फायदेमंद नहीं है, बट इट्स, तो वो क्या है कि वो आपके इमेजिनेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई मूवी देख ले जाके और आप आए और वो मूवी जो बुक पे लिखी थी वो बुक रीड करें, जैसे मैं 3 Mistakes of My Life रीड करी थी 3 इडियट्स 10 से 12 बार देखने के बाद में, और जब मैंने रीड करी बुक तो वो जो बुक में मैंने जो मूवी मेरे दिमाग में चली, जो इमेजिनेशन बिल्ड हुई, जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने मूवी को देखा है, दैट वॉज वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग। मतलब चीज़ कुछ ऐसी होती है ना कि लाइफ में आप आपके पर्सपेक्टिव से जब इमेजिनेशन पावर लगा के सोचते हो ना, तो आपका ब्रेन एज ए ह्यूमन बींग ग्रो करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक टाइम पे कहा था कि नॉलेज इज नॉट अ की टू सक्सेस, इट्स इमेजिनेशन, बिकॉज अ सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज इमेजिन थिंग्स विच कैन बी कम्प्लीटेड बाई नॉलेज। मतलब आपको ना इमेजिनेशन अगर आपका अच्छा है तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो, बिकॉज आप वो इमेजिनेशन को नॉलेज के थ्रू सर्च कर सकते हो, बट नॉलेज से आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। मतलब एक संदीप माहेश्वरी का एपिसोड आया इस पर रिसेंटली, मैं उसका लिंक नीचे दूंगा, प्लीज़ इस वीडियो के बाद में उस जाके उस वीडियो को देख ले, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ इमेजिनेशन के ऊपर। बट यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि समझो हमारे पास में एक बल्ब बनाने की नॉलेज है, तो हम नॉलेज से बल्ब बना सकते हैं, बट कभी ना कभी तो बल्ब नहीं था, तो तब वो एक बंदे की इमेजिनेशन थी जिस पे उसने अलग अलग चीज़ों का नॉलेज लगा के बल्ब बनाया, और अभी तो बल्ब का हमारे पास प्रोसेस है। तो इमेजिनेशन इज द की टू सक्सेस, और लाइफ में आप बुक्स रीड करोगे तो आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होगा, इट विल बिल्ड एंड इट विल ग्रो यू। बुक्स ऑल्सो शेप्स योर पर्सनैलिटी। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि एक रीड बुक करी, दो बुक रीड करी, तीन बुक रीड करी और आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट वैसा नहीं होता है। आपको पता है ना कि आप अच्छा खाते हो तो आपकी बॉडी अच्छी रहती है, तो जो आप नॉलेज कंज्यूम करोगे, जो आप रीड करोगे, वैसे आप पर्सन होगे, वो आपके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। और ये चीज़ें मेरी फेवरेट है, मतलब द वॉट यू ईट द विल यू लुक लाइक एंड वॉट यू रीड और कंज्यूम द यू विल बी लाइक। मतलब आप जो खाते हो आप वैसे दिखोगे, और आप जो पढ़ते हो सुनते हो अपने दिमाग में जाने देते हो वैसे आप पर्सन बनोगे, आप वैसे पर्सनैलिटी झलकेगी। तो बी विद गुड पर्सन गुड बुक्स। तो ये कुछ रीजन थे जिनके से मैंने बुक्स रीड करना चालू की, और आप भी बुक्स रीड करना चालू करो। और अभी मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जिससे आप बुक्स रीड करना चालू कर सकते हो। फर्स्ट थिंग कि आप जाके कोई भी एक सीरीज ऐसी देख ले जिसका आधा मतलब फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन आया है और कोई बुक पे बेस्ड है, तो अगर उसके बाद में आपको एक्साइटमेंट है कि आगे क्या हुआ जानना है, तो बुक्स में है भाई उसका आंसर, जाके पढ़ो आपको पता चलेगा। और आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से वो सीरीज की आप बुक रीड करोगे, आपका इमेजिनेशन भी बिल्ड होगा और आपको हैबिट लगेगी। और सेकेंड थिंग, आपको जो पसंद है वो जाके पढ़ो। आपको क्रिकेट, चेस, कबड्डी, देन फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, फूड, कुकिंग, ट्रैवलिंग, कुछ ना कुछ तो पसंद होगा, वाइल्ड लाइफ, तो जो पसंद है उसे रीड करना चालू कीजिए जब तक कि आप रीडिंग को पसंद ना करने लगे। इस पे नवाल भाई का एक कोट है कि रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव रीडिंग। मतलब कुछ भी पढ़ो जो आपको पसंद होगा तब तक कि आप जब तक पढ़ने को पसंद ना करने लगे। और जब आपके जिंदगी में ये चीज़ आ गई कि यू स्टार्टेड लव रीडिंग, तो भाई फिर तो जल से ही जल से। और आज के लिए वीडियो बस इतना ही रखते हैं। शायद ये वीडियो लंबी हो गई होगी, मेरे को पता है बहुत लंबी हो गई है, बट कट छट करके 7-8 मिनट की निकलेगी। प्लीज़ पूरी आपने देखी होगी, दिल से थैंक यू, शेयर कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स ग्रो करेंगे। एंड प्लीज़ 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 स्टार्ट रीडिंग बुक दिस फ्रेंडशिप डे, ये आपके फ्रेंडशिप डे मेमोरेबल रहेगा लाइफ में, आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा। और अगर आपको मेरी बुक्स की सजेशन लिस्ट देखनी है तो मैंने मेरी पुरानी एक वीडियो नीचे लिंक डाउन कर दी, जहाँ पे मैंने चिराग भाई के साथ में एक वीडियो बनाई थी द बुक्स यू शुड मस्ट रीड करके, उनमें से आके कोई बुक रीड करा। और अगर आपको चाहिए और सजेशंस
तो मैं आपको और एक मुझे कमेंट करके बताइए, नई बुक्स की सजेशन लिस्ट बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वंस अगेन आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और टेक केयर, अपने दोस्तों की केयर लीजिए, थोड़ा कोविड टाइम में उनसे बातचीत करें, थोड़े आपके दोस्त भी फ्रेश हो जाएंगे, आप भी फ्रेश हो जाओगे, और फैमिली का भी केयर रखें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, और 12 दिन से नई वीडियो डालने के लिए दिल से माजरत। बाय बाय, टेक केयर।